कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिलेगा प्रतिदिन दूध। मुख्यमंत्री ने बाल गोपाल योजना में दी 874 करोड़ रुपए की स्वीकृति। दो दोस्तों ने पहले शराब पिलाई, फिर तीसरे दोस्त की पीट पीट कर की हत्या। रात भर खेत में पड़ा रहा शव, दोनों आरोपियों की तलाश जारी। पीएम मोदी ने आज प्रदेश को 5,500 करोड़ रुपए की दी सौगात। श्रीनाथ जी मंदिर ने किया नतमस्तक। वसुंधरा के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और सीएम गहलोत ने किया स्वागत। सीएम अशोक गहलोत पर सचिन पायलट का बड़ा हमला, 11 मई से जन संघर्ष पद यात्रा निकालने की घोषणा। पीएम मोदी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन कर की पूजा अर्चना, शहर में रोड शो का भी किया कार्यक्रम। पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का पोस्टर हुआ जारी, इंदिरा और सोनिया गांधी की तस्वीर पोस्टर में दिखी तो वहीं राहुल और प्रियंका की तस्वीर पोस्टर से रही गायब। भरतपुर में घूस लेने के आरोप में अधिशासी अभियंता समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मारा रेड। महंगाई राहत शिविर के तहत गहलोत सरकार ने बांटे 3 करोड़ गारंटी कार्ड, पहला सुख निरोगी काया का दिया संदेश। चित्तौड़गढ़ में पोते की चाह में किया 10 महीने के बच्चे की हत्या, टंकी में मिला शव, दादी हुई गिरफ्तार। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का होगा गठन, प्रारूप का किया अनुमोदन। कांग्रेस को महंगाई को लेकर सरकार की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं, निर्मला सीतारमण का गहलोत सरकार पर पलटवार। सब्सिडी के लिए सरकार ने किसानों से मांगे आवेदन, 15 मई तक किसान साथी पोर्टल पर कर सकते हैं अप्लाई। माउंट आबू पहुंचे राहुल गांधी, पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा, अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हुए गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के लगे आरोप। भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई नेताओं ने देशव्यापी बंद का किया आह्वान। भाजपा भारी बहुमत से कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतेगी, कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने किया दावा। रतलाम मार्ग पर अवैध मादक पदार्थ पर हुई बड़ी कार्रवाई, 16 किलोग्राम अफीम को किया जब्त, आरोपी की तलाश जारी। महंगाई राहत कैंपों में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लगाने की शिकायत, भाजपा के पार्षदों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सरकारी दफ्तरों से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हटाने की मांग। आरबीआई में ऑफिसर पदों पर निकली वैकेंसी, 9 जून तक कर सकते हैं अप्लाई, 1,16,000 तक मिलेगी सैलरी, रिटर्न टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन।